हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे इस ब्यूटीफुल से मेकअप लुक का ट्यूटोरियल, जो कि मैंने करवा चौथ के लिए क्रिएट किया है। ये बहुत ही इजी पीजी सा लुक है, इसे आप आराम से घर में क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। गाइज, आई हैव क्लींस माई फेस और अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी मेरे फेवरेट पैक मॉइस्चर लोशन से, और प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर। मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा और स्मूथ एप्लीकेशन में भी हेल्प करेगा। जब तक ये प्राइमर सेट हो रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी मेरी न्यू परचेज के बारे में। ये है ब्लू हेवन का मेकअप स्पॉन्ज, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है। इसे मैंने ब्लू हेवन कॉस्मेटिक की ऐप से ही परचेज किया है। तो मैं आज इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी तक मैंने इसे वेट नहीं किया है, तो मैं आपको इसे वेट करके दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा होता है साइज में। अब तक तो ये काफी सॉफ्ट और स्क्विशी लग रहा है, सो लेट्स सी कि ये कैसे हमारी फाउंडेशन को ब्लेंड करता है। सो गाइज, मैंने इसे वेट करके इसका एक्स्ट्रा वाटर स्क्वीज आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा हो गया है, और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी लग रहा है। आई होप कि ये फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करेगा। अभी तक ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। सो अब मैं अपनी फाउंडेशन इसी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी, देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। मैं यूज करूंगी मेबलिन फिट मी। दिस इज सो सॉफ्ट गाइज, ये बिल्कुल भी स्किन पर बहुत ज्यादा हार्श नहीं लग रहा है। दिखने में इसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्श नहीं लग रहा है स्किन पर। यू कैन सी इसने बहुत ही जल्दी ब्लेंड कर दिया है फाउंडेशन को, और काफी अच्छी कवरेज है। बट हाँ, एक चीज है कि इसने थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट सोक कर लिया है। मैं जितना फाउंडेशन अपने स्किन के लिए यूज करती हूँ, उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने यूज किया है, बट अदरवाइज इसने ब्लेंड बहुत ही अच्छे से किया है। बिल्कुल भी हार्श नहीं है स्किन पर, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही अच्छा लगा। आप प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिए। अंडर आईज को कवर करने के लिए मैं एले गर्ल का कंसीलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लेंडर पॉइंटेड नहीं है, तो मैं इसको कुछ ट्राई करूंगी कि ये अंडर आई एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर पाए। थोड़ा सा टफ है अंडर आई एरिया के नीचे इससे ब्लेंड करना। और हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा पैक स्पॉटलाइट कंसीलर। और अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन का फिट मी पाउडर। मैं सिर्फ अपने टी जोन एरिया को ही सेट करूंगी। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं आई शेडो बेस लगाऊंगी, और मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मैक का पेंट पॉट इन दी शेड सॉफ्ट ओकर। पाउडर से डस्ट करूंगी। आई शेडो के लिए मैं यूज करूंगी ब्यूटी ग्लेज़ का पैलेट। इसमें से सबसे पहले मैं ये लाइट कलर ले रही हूँ, और इसे फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पर लेकर अपने क्रीज में ब्लेंड करूंगी। और अब एक पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश पर येलो कलर लूंगी और इसे अपनी क्रीज में ब्लेंड करूंगी।
ब्राउन कलर ले रही हूँ। इसे अपने आईज के आउटर कॉर्नर्स में ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं ये शिमरी गोल्डन कलर ले रही हूँ, इसे अपने लिड एरिया पर लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं ये कॉपर शिमरी कलर ले रही हूँ और इसे इन दोनों कलर्स के सेंटर में ब्लेंड करूंगी ताकि गोल्डन और ब्राउन का ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथली हो और ये दोनों कलर्स आपस में अच्छे से ब्लेंडेड दिखें। वाटरलाइन पर सबसे पहले मैं प्लम की कोल पेंसिल यूज कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश पर मैं ये ब्राउन कलर लूंगी और इस काजल को स्मोक आउट करूंगी। मैं पेंसिल ब्रश पर ये येलो कलर ले रही हूँ, इससे भी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करूंगी। लाइनर के लिए मैं यूज करूंगी लैक्मे का एब्सोल्यूट शाइन लाइन। सो गाइस, लैशेज आर ऑन और मैंने अपने आईब्रोज भी कर लिए हैं। अपने फेस को कॉन्टूर करने के लिए मैं लॉरियल का ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ। ब्लश में यूज कर रही हूँ मेबलिन का। अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का सेटिंग स्प्रे। मैं कलर बार का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, सुपर शॉक हाइलाइटर्स। और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे की 9 to 5 लिप लाइनर। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी मेरा फेवरेट रेड स्कारलेट ओहारा। सो गाइस, मैं अपने हेयर और ज्वेलरी के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दीजिएगा एक बड़ा सा थम्स अप और नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।